सोमवार को विधानसभा में संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल करे का मामला विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने उठाया। विधायक ने स्काई योजना के तहत नमो ऐप और रमन किंग शामिल किए जाने की बात आसंदी के सामने रखी। विधायक ने जो भी जानकारी दी, योजना के अंतर्गत रिलायंस जियो का सिम और माइक्रोमैक्स का फोन दिया गया था। प्रश्न के जवाब में आसंदी से कहा कि इस पूरी योजना की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर कई गड़बड़ियां सामने दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा इस योजना की जांच के माध्यम से की गई गड़बड़ियां सामने दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा इस योजना की जांच के माध्यम से की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछली सरकार द्वारा जारी की गई स्काई योजना पर सदन में जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया योजना में भारी गड़बड़ी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि टेंडर से लेकर सभी मदों में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने योजना में रमन ऐप का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने गलत बताया। साथ ही मोबाइल के वितरण पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने टावर पर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी योजना की केक द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया गया। पूरी योजना में भारी गड़बड़ी है। प्रथम दृष्टया देखने से उसके टेंडर से लेके उसके उद्देश्य से लेके पहला जो उद्देश्य रखा गया था, जो टेंडर प्रक्रिया है, फिर उसके रेट के निर्धारण और उसकी कनेक्टिविटी के जो उद्देश्य, टावर खड़ा करने और मोबाइल और उसमें निजी ऐप का उपयोग किया गया है, निजी व्यक्ति के, चाहे नमो ऐप है, रमन ऐप है, इसको भी उसमें डाला गया है। वितरण भी ठीक से नहीं हुआ है और जो टावर जहाँ जहाँ खड़े करने थे वहाँ नहीं हुआ है। ज़मीन के भी उसको लाभ दिया गया है। 600 करोड़ पंचायत से ले लिया गया था, फिर दबाव में हम लोग हल्ला किए तो फिर वापस किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी पूरी जांच करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने सीजी से जांच करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्काई योजना के जांच के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले सभी योजनाओं की जांच करवा ले। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछली सभी योजनाओं को बड़े ही पारदर्शी के साथ लागू किया गया था, इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बीटिंग की प्रक्रिया के साथ लागू किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्काई योजना को लागू किया गया था। कट रमन ने कहा कि बस्तर नेट योजना और भारत नेट योजना दोनों के तहत पूरी तरह से कनेक्टिविटी जोड़ने का काम किया गया था। सरकार जितनी योजनाएं बनी है उन सारी योजनाओं का एक साथ जांच करा ले, उसमें कहीं कोई इतनी पारदर्शी योजना इतने बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन हुआ, सारे प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिडिंग की प्रक्रिया हो गई, तो ये पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य ने इतने बेहतर तरीके से इसको प्रोसेस किया। दो विषय उसमें किए गए जो शायद उनकी जानकारी में संज्ञान में नहीं है। पहला विषय है कि बस्तर नेट के माध्यम से उन इलाकों को कनेक्टिविटी देने का काम किया। दूसरा भारत नेट योजना है। भारत नेट योजना में हर पंचायत को इंटरनेट से और टेलीफोन से जोड़ने की व्यवस्था है। ये दोनों मिला के स्काई योजना का जो क्रियान्वयन हुआ है उससे गतिशीलता मिली है और आज मैं कह सकता हूँ उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ी है। पूरे बस्तर में बस्तर नेट के माध्यम से सातों जिलों को जोड़ा गया है। बहरहाल नई सरकार के आने के बाद लगभग 90 लाख मोबाइल भंडार गृह में पड़े हुए हैं। अब सरकार ने माइक्रोमैक्स और जियो को इन मोबाइल फोन को वापस करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या एक द्वारा जांच में क्या रिपोर्ट सामने आता है। ये तो समय के गर्भ में है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।